नमस्कार दोस्तों, मैं राज किशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं जैसे कि प्लिंथ बीम को बहुत बढ़िया तरीके से कैसे आप भर सकते हैं उसका, और नीचे में उसका बेस कैसे बनाएंगे, और सरिया रख के और पट्टे लगा के कैसे भरेंगे इसको। कई दोस्त हमारे को कमेंट किए हुए थे तो मैं उनके कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो पूरा देखें दोस्तों तो आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जैसे कि प्लिंथ बीम के नीचे का वो बेस बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले अच्छी तरीके से हम इसको नी की खुदाई करके और नीचे गटका रोड़ी डाल के और अच्छी तरीके से इसमें धुरमु से पानी डाल के और कुटाई हुआ है। कुटाई करने के बाद में जैसे कि ये देख सकते हैं, दो नीचे हमारा 13 का लगा हुआ है और ऊपर में एक 9 इंची का बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है। आप चाहें तो नीचे 18 का भी लगा सकते हैं और काफ़ी मजबूत होगा। कई जगह होता है जो खाली ये रद्दा बिछा दिया जाता है और 9 इंची का एक रद्दा बिछा के और उसके ऊपर से जैसे कि ये टाई बीम है प्लिंथ बीम का, तो इसको रख के और उसमें कम से कम 1 फुट भराई किया जाता है मोटा। जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका है जो प्लिंथ बीम है वो हम लोग भरे हुए हैं। एक वहाँ पर हमारा वो किनारे में कलम खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है और एक यहाँ खड़ा है और एक यहाँ पे खड़ा है, और उसके सेंटर में एक ये वाला हमारा दीवार जो जा रहा है वहाँ पे एक ये प्लिंथ बीम का सरिया उसमें फंसा हुआ है, और यहाँ जो कॉलम है एक इसका प्लिंथ बीम का सरिया यहाँ फंसा है और उस कॉलम में फंसा हुआ है। मतलब ऐसे ही हर एक दीवार में जॉइंट अच्छी तरीके से बांधा गया है इसमें। और प्लिंथ बीम जो है इसका हम सरिया की बात करें तो ये 3 सरिया ऊपर लगा हुआ है, 12 का सरिया है ये, और 3 सरिया ये हमारा नीचे लगा हुआ है, और ये 8 mm का जो रिंग है ये 8 mm का रिंग लगा हुआ है। इसको मोटाई भर के हम 1 फुट में मोटाई भरेंगे इसको, जैसे कि इधर भरे हैं देख सकते हैं, ये काफ़ी मजबूत होगा और काफ़ी हैवी होगा। तो सबसे पहले लेआउट कर लेना है अच्छी तरीके से, मतलब चारों किनारे अच्छी तरीके से मिनती करके और जहाँ जहाँ हमारा कालम का जगह है वहाँ पे अच्छी तरीके से खुदाई करवा लेंगे, और उसके बाद में जहाँ हमारा कालम होगा तो ये जो हमारा ये कालम है यहाँ, मतलब कि नीचे हमारा 4x4 का ये बेस है, 4x4 का इसमें जाला डाल के और तब ये कालम खड़ा किया गया है। इसमें 8 सरिया है जैसे कि देख सकते हैं, 3 इधर है, 3 ही इधर है और 3 उधर पास है और 3 उधर पास है, और नीचे मतलब कि 4x4 का हमारा बेस है उसको 10 इंची मोटा हम लोग भरे हुए हैं, और भरने के बाद में ऊपर में ये मतलब 1.5 फुट नीचे हम ये चौरस मतलब कि चारों पास हम ईंट से घेराई करके और ऊपर में ये ले आके, और जैसे कि ये ऊपर में 2 13 का और एक ऊपर 9 इंची का लगा के, तो सबसे पहले दोस्तों जहाँ जहाँ कलम आता है वहाँ वहाँ कलम खड़ा कर लेना है, और उसके बाद में ये दीवार बना के उसके बाद में जो हमारा ये प्लिंथ बीम है यहाँ पे ऐसे कलम को अच्छी तरीके से भराई करना है। और दोस्तों जो चुनाई हम लगाए थे ऐसे प्लिंथ बीम को रख के और अच्छी तरीके से साइड में फट्ठा या लोहे का प्लेट लगा के अच्छी तरीके से भरेंगे, और जो ये नुकर है यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से तार से बांध देना है।